गाइस वन सेकेंड मैं आप लोगों के लिए एक एक्सीलेंट वीडियो लेके आया हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आजकल मोस्टली लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्सपेंसिव डॉग्स को परचेज नहीं कर पाते। तो उसी चीज को देखते हुए आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे दो डॉग्स ब्रीड के बारे में, जिसमें से एक है जर्मन शेफर्ड एंड सेकंड है डोबरमैन। तो गाइस आई एम श्योर आप लोग जानते ही होंगे कि दोनों ही फैंटास्टिक डॉग ब्रीड है, और अगर इनकी स्मार्टनेस के बारे में बात करें तो इस मामले में दोनों ही टॉप 10 डॉग्स रैंकिंग में आते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि जर्मन शेफर्ड के बारे में तो हर कोई जानता है कि कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं, बट अगर डोबरमैन को कंपेयर करें इस मामले में तो डोबरमैन भी जर्मन शेफर्ड से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। बट जो लोग इस ब्रीड के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते वो सोचते हैं कि डोबरमैन बहुत ही अग्रेसिव डॉग्स हैं। बट गाइस आप लोगों को फैमिली और गार्ड डॉग्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप लोग गार्ड डॉग्स को भी एज ए फैमिली डॉग एक्सपेक्ट करोगे तो फिर फैमिली और गार्ड डॉग्स में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। बाय द वे अगर गार्ड डॉग्स भी सभी के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर तो कोई भी चोर उचक्का आपके घर में आके आपके डॉग्स को दो बिस्किट डाल के आपके घर से कुछ भी ले जा सकता है। बट अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड या डोबरमैन है तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई भी आपके घर में अंदर आने से पहले 50 बार सोचेगा। वैसे दोस्तों इस डोबरमैन की क्वालिटी बहुत ही प्यारी है और ओनर ने इसकी सभी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा रखी है। तो भाई अगर आप लोग एक वेल ट्रेन डोबरमैन को परचेज करना चाहते हैं तो आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज आप लोगों को इसे परचेज करने के बाद इसके ऊपर कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे डोबरमैन एक मेल डॉग है जो कि 8.5 मंथ का हो चुका है, और प्राइसिंग की बात करें तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 14,000 पीस यानी 14,000 रुपए। और अगर आप लोग सीरियस बायर हैं तो आप लोगों के लिए प्राइस भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो गाइस हमारे जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करने से पहले यह है हमारी कल की वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है उपेंद्र राणा ऑफिशियल डॉग लवर, सेकंड है एलएसपी पहलवान जी एंड थर्ड है लर्न एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी जर्मन शेफर्ड पपी के बारे में, जो कि एक फीमेल है और मीडियम कोट में है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ओनर ने इस फीमेल का प्राइस बहुत ही कम रखा है, आप में से मोस्टली लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों को जर्मन शेफर्ड के लिए जाना चाहिए, बिकॉज इतने कम प्राइस के पपीज ज्यादा देर तक नहीं रुकते, कोई ना कोई उन्हें परचेज कर ही लेता है। तो यार अगर इस जर्मन शेफर्ड की एज के बारे में बात करें तो ये फीमेल 35 डेज की हो चुकी है, और इसकी जो लोकेशन है वो है मेरठ यूपी से। और फ्रेंड्स डिलीवरी भी आप लोगों को इन पपीज पर अवेलेबल मिल जाएगी अप टू 50 किलोमीटर तक, बट अगर आप लोग ज्यादा दूर से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को डायरेक्टली विजिट करना पड़ेगा। और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है, और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 6,000 पीस यानी सिर्फ 6,000 रुपए। और आई एम श्योर अगर आप लोग सीरियसली इस फीमेल को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।